दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहतास जिला का मोस्ट फेमस प्लेसेस के बारे में, यानी कि रोहतास जिला में घूमने के लिए कौन कौन सी वो जगह है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रोहतास जिला कई तरह से पर्यटक स्थलों का केंद्र है। इस शहर की यात्रा के दौरान पर्यटक कई विभिन्न पर्यटन स्थलों, स्मारकों, मंदिरों और मस्जिदों की यात्रा कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं रोहतास जिला के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। माँ तारा चंडी, सासाराम में माँ तारा विंध्य पर्वत श्रेणी की कैमूर पहाड़ी के प्राकृतिक गुफा में विराजमान है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। देवी प्रतिमा के बगल में 12वीं सदी के खरवार वंशी राजा महानायक धवल देव ने अपने पुत्र शत्रुघ्न द्वारा यहाँ एक बहुत बड़ा शिलालेख लिखवाया है। शेरगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले के पास अफगान शासक शेर शाह सूरी का किला है, जिसे शेरगढ़ का किला भी कहते हैं। इस किले में सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं और इन सभी गुफाओं के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि ये सुरंगें कहाँ खुलती हैं। ये वही किला है जहाँ मुगल शासकों ने शेर शाह सूरी और उनके परिवार की हत्या कर कत्लेआम मचाया था। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिला के मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग के अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंक के पौत्र व राजा सत्य हरिचंद के पुत्र रोहतासवर ने कराया था। तुतला भवानी मंदिर जिले के तिलौथू प्रखंड स्थित माँ तुतलेश्वरी भवानी की प्रतिमा अति प्राचीन है। ये मंदिर मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। शारदीय नवरात्र की नवमी व सावन पूर्णिमा को तिलौथू प्रखंड के अधिकांश गांवों के लोग पहले तुतलेश्वरी माता की पूजा अर्चना करती है, उसके बाद अपने कुल देवता की पूजा करती है। गुप्ता धाम, ये एक प्राकृतिक गुफा है जो कैमूर पहाड़ी की एक घाटी में स्थित है। शिवलिंग रूपी चूने के निपेश से बनी छोटी चट्टान को गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ शिवरात्रि और बसंत पंचमी के अवसर पर मेला लगता है जिसमें काफी भीड़ जुटती है। धुआं कुंड सासाराम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। चारों ओर हरे भरे जीवन के बीच ये एक सुंदर आकर्षक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा काफी मनमोहक होता है और देखने योग्य होता है। धूप घड़ी, अंग्रेजों ने इस घड़ी को बनाया और साल 1871 में डेहरी के निकट रोड पर स्थापित किया। ये एकमात्र घड़ी है जो सूर्य के रोशनी से समय दिखाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई विभाग के कर्मचारी द्वारा किया जाता है। मांझर कुंड, यह कुंड सासाराम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कुंड सासाराम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जल प्रपात है। यहाँ हर वर्ष पारंपरिक रूप से हजारों लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और मांझर कुंड की ऊंचाई 110 मीटर है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।